बड़ी चीज सर, ये डीएस सर, इसको लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। कहाँ पे सर ये, कहाँ पे यूज होता है, ये कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, ये हमें कभी यूज नहीं करना है सर्किट में सर। बट आज सर डीएस सर की क्लास में हमें ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये डीएसओ जो है ये कहाँ पे करें इस्तेमाल करना है, कहाँ पे स्विचिंग एक्चुअली हो रही है, इनपुट कहाँ से जा रहा है फ्रीक्वेंसी का, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, और हमें किस चीज़ पे अगर हमारा जीआर वोल्टेज आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं आ रही है, ये इसके बगैर पता नहीं चलता सर। ये हमें आईसी पे काम करना है नहीं करना है, ये हमें एक सेकंड में पता चल जाएगा सर। ये थोड़ा सा डीएसओ आपके हाथ में, लो लो आपके हाथ में, इस डीएसओ का इस्तेमाल किस किस ने करा? सबने किया, सबने किया है। यस सर। इसको नॉर्मल कर दिया आपने? जी सर। आपको इस सेक्शन में यह मालूम है कहाँ डीएसओ का इस्तेमाल करना है? यस सर। फ्रीक्वेंसी चेक करी है आपने? यस सर। कैसी फ्रीक्वेंसी आती है, कहाँ चेक करना है, यह मालूम है आपको? यस सर। चलिए ठीक है। हाय, मेरा नाम साईराम है, एशिया टेलीकॉम 28 अगस्त के बैच में हूँ, और आज हमारा देव सर ने ऑडियो पीए का आईसी K31 का बताया था, उसका पैड लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब बताया था, और मैं वो सब चीज़ आपके सामने एक बार बताना चाह रहा हूँ जो है K31। अच्छा, है पहले ये बताइए कि आपने इसका प्रैक्टिकल करके इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। जीआर निकाला है, जीआर और वोल्टेज सब निकाला, फ्रीक्वेंसी काई पे निकाली आपने, डीएसओ पे निकाली? डीएसओ थोड़ा बताइए आप। ये डीएसओ पे हम लोग ने वोल्टेज तो हम लोग यहाँ पे मल्टीमीटर पे निकाला था, और डीएसओ जो है वो हम इसमें निकाला था, फ्रीक्वेंसी जो है वो डीएसओ में निकाला था। और वो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि K31 ऑडियो पीए उसमें 16 बॉल्स रहेगा, वो जो 16 बॉल्स है एआईसी की पैड की नीचे 16 बॉल्स रहेगा। B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4। तो ये जो आईसी है इसको वोल्टेज देना जरूरी पड़ती है, तभी ये वर्क करेगी। तो इसको वोल्टेज कहाँ से आएगा? VPH से आएगा। वो जो VPH है DC to DC IC से आएगा। वो कौन सा पैड को वो कनेक्टेड है, A3 एंड B3 इंटरनली कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे वो यहाँ से DC करंट 4 वोल्टेज आ रहा है, वो एक बड़ा कैपेसिटर के साथ आ रहा है ताकि वो अच्छा फ्रीक्वेंसी दे। तो ये है कैपेसिटर है, वे VPH आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो ऑडियो आईसी से आएगी, और ये जहाँ पे आएगी वो A1 एंड A2, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगी रहती है और उसके साथ एक रेसिस्टर, सेम एक कैपेसिटर रहेगी, एक रेसिस्टर हाई वोल्टेज की रेसिस्टर रहेगी। ये जो है फ्रीक्वेंसी को भेजती है कहाँ से, ऑडियो आईसी से जी इस पैड को फ्रीक्वेंसी से भेजती है। और अभी हमको एक EM चाहिए, EM कहाँ से आएगी, वो CPU से आएगी। यहाँ पे 3 आईसी है, एक है DC to DC IC, ऑडियो आईसी एंड CPU। CPU से जो आएगी वो EM आएगी, हाई वोल्टेज रेसिस्टर यहाँ पे लगा रहती है पार्लर में, और जब सॉन्ग प्ले करेंगे तब ये आएगी, इसको बोलते हैं EM। और ये 1.8 वोल्टेज की आती है, और ये जो DC to DC आएंगे ये 4 वोल्टेज की आएगा, दोनों पैड में 4 वोल्टेज का ये आएगा पावर। और ये जो है INP एंड INNegative दोनों आएगा। और यहाँ पे ना दो पैड्स नहीं है, B2 एंड C3 नहीं है, तो उसको हम लोग काट देते हैं, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे।
और जो एनसी है वो चार बॉल्स में एनसी लगी है, मतलब नॉट कनेक्टेड। और दो में ना ग्राउंड लगी है, वो सी टू एंड सी फोर, ये दोनों ग्राउंड है। एंड अभी बची है दो ही है, बी थ्री एंड डी फोर। डी थ्री ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बना रहे हैं सही सर्किट बना रहे हैं। हाँ सर। इसमें से आप सब नहीं बना सकते क्या? कोई बना नहीं सकता? सब बना सकते। आज इनका नंबर है जी सर। डी थ्री में रेफरेंस आएगी और बी फोर एंड डी फोर में वो इसका वी आउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा। यहाँ पे स्पीकर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये है अपना K318 का आईसी का पैड है, आईसी का पैड लाइन है। तो जब आप आए थे यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में, तो ये सोच के आए थे कि आज चौथे दिन पांचवे दिन आप जाके और ऐसा ड्राइंग करोगे और इस लेवल पे काम करोगे? नहीं सर, बिल्कुल मैं ये सोच के नहीं आया कि आईसी पैड में कैलकुलेट कर पाऊंगा करके, ये सोच के नहीं आया। बहुत कम सोच के आया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिला। जो देव सर से आपको जो नॉलेज मिल रहा है, अगर ये दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते आप या किसी टीचर से पढ़ते देव सर के अलावा, तो क्या आप इतना नॉलेज को एक्सप्लोर कर पाते क्या? नहीं सर, बिल्कुल। मैं देव सर को पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, हर दिन देखते रहता हूँ उनका। मैं जाऊँगा सोच के बहुत लेट किया हूँ, लेकिन अभी जो आया था मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। चलो ठीक है भाई, सब क्लैपिंग कर दो एक बार। पूछना चाहता हूँ, ऑडियो सप्लाई में स्पीकर काम ना करे तो मुझे बताइए, किस किस को ये पता है कि मुझे ऑडियो को रिवॉल्व करना है या सीपीयू को रिवॉल्व करना है? मुझे सब किस किस कंडीशन पता है कि मुझे सीपीयू कब रिवॉल्व करना है? ऑडियो कब करना है? जब मुझे इस आईसी का क्या रहा हो तब भी गाना नहीं। तो किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए? आप मुझे बताओ, ये दिखाओ, ये नौ बॉल का इतना डायग्राम जो वोल्टेज जी आर और सब कुछ डाला है, ये किस किस को समझ में आया क्या? पैड। और यहाँ पर प्रैक्टिकल बता रहे कि नहीं बता रहे? ठीक है। और मुझे बताओ शाम के में प्रैक्टिकल में कौन कौन करेगा ये? हम सर। अपने यहाँ पर पूरा आईसी निकाल के करते ना बोल लो। हाँ चालू है। चलो अब देखो, A3 और B3 आपस में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर? yes, तो यहाँ पे कितने वोल्ट होने चाहिए? बोलो কেউ যদি শিখতে আসে তাকে এসে ট্রেনিং অবশ্যই জয়েন করতে হবে, নাহলে সে বুঝতে পারবে না কি জিনিসটা। কেউ যদি শিখতে আসে তাকে এসে ট্রেনিং অবশ্যই জয়েন করতে হবে, নাহলে সে বুঝতে পারবে না কি জিনিসটা। এর মহত্বটা কত বড়, এই না হলে আমার নয় কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। हमारी क्लास थी सर आज देव सर के साथ, ऑडियो सेक्शन की, जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा गया, सब कुछ समझ में आया एंडलेस तक। तो एंडलेस तक समझ में आया, तो आपने किस प्रकार से प्रैक्टिकल करा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। बहुत सारी मोबाइलों पे आपने सेम प्रैक्टिकल किए? लाइव चालू मोबाइल पे किया आपने? मोबाइल पे आईसी उठाई आपने? आईसी उठा के पेड लाइन बनाई आपने? क्लास देव सर के साथ था और बहुत ही बढ़िया ऑडियो सेक्शन का क्लास दिए हैं सर। और इसमें ऑडियो क्लास में नया में स्मार्ट पीए का आया है, और ऑडियो में एक नॉर्मल पीए पहले था, पुराने फ़ोनों में आता था, और नया में स्मार्ट पीए जो कि बहुत अच्छे से डीप लेवल का एकदम सीपीयू तक सर ने बताया। नॉर्मल वाली पीए भी पढ़े हमने, स्मार्ट वाली पीए भी पढ़े, उनमें क्या डिफरेंस होती है, कहाँ पे क्या जीआर मिल रहा है, हमें इनपुट कितना चाहिए, हमें आउटपुट कहाँ से लेना है, हर एक पॉइंट पैड लाइन से लेके बराबर जहाँ पे डिवाइस लगी रहती है जी, इनपुट से लेके आउटपुट तक सारा सेक्शन हमारा क्लियर हो गया सर।
और ये हमने सीपीयू वाइज पढ़ा, यानी हमें मॉडल्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई भी दुनिया सा मॉडल, दुनिया का कोई भी मॉडल है, हमें सारा सेक्शन पढ़ा है सर, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे आगे ख़त्म होता है, कौन कौन सी आईसीएन में इन्वॉल्व होती है ये भी पता है सर, किस किस आईसी से किस किस पैड पे कौन से लाइन आ रही है ये भी बिल्कुल पता है सर, कहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है और कहाँ से जा रही है, और खासकर सबसे उसमें हमें सर ने ऑडियो के पूरे उस बारे में बताया गया, ऑडियो के बारे में, ऑडियो ऑडियो में आने वाले जो फॉल्ट है उसके बारे में एंडलेस प्रॉब्लम को बताया, उसका सॉल्यूशन बताया हमें, और उस और आईसी के पूरा पैड लाइन के बारे में हमें जानकारी दी, कौन से उसमें इनपुट होता है, कहाँ से उसमें आउटपुट है, हर पैड के बारे में उसमें हमें आज जानकारी मिली देव सर के साथ। तो मैं आपसे तीन चीज़ें पूछना चाहूँगा, खाली तीन चीज़ पूछना चाहूँगा, तो जो आपको सर ने नॉलेज दिया है तो क्या मॉडल वाइज दिया है? नहीं, सारे मॉडल में कोई भी ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है, सीपीयू वाइज दिया, सीपीयू वाइज। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम चौधरी। शिवम जी कहाँ से हैं आप? सर मैं इटारसी से हूँ। इटारसी से हैं, तो चलिए अभी बात करें, आज आपका रिंगर ऑडियो सेक्शन का क्लास था। जी सर। किसके साथ में था क्लास आपका? देव सर के साथ। देव सर के साथ में था। कितने बजे आपकी क्लास लगी है? सर 11:30 बजे। साढ़े ग्यारह बजे। तो अभी आपको ऑडियो सेक्शन में कौन कौन सा रिंगर आईसी आता है, ऑडियो आईसी आता है, सर ने सारी चीजें बताई हैं। जी सर। स्मार्ट वे की बात करें, 9 बॉल की आईसी की बात करें, 14 बॉल की बात करें, 16 बॉल की बात करें, ये सारा सर ने स्कीमेटिक के थ्रू पैड टू पैड एक एक बॉल का डिटेल्स बताया कि नहीं बताया? जी सर पूरा बताया, पूरा बताया। अभी जो आपके हाथ में फोन है कितने बॉल की आईसी लगी हुई है? इसमें 9 बॉल की सर। इसमें 9 बॉल की लगी हुई है आईसी। तो अभी आप इसमें क्या करने वाले हैं? सर मैंने अभी इसकी चेकिंग की है पूरी। अभी आपने चेकिंग किया है, ये सर ने जो बताया है तो आप दोबारा से आप यही चीज आप खुद से बनाने वाले हैं? जी सर। तो ये तो 9 बॉल वाली है। जी सर। इसमें 16 बॉल वाली कहाँ है? जी सर 16 बॉल वाली भी बनाया है, पूरा डायग्राम सर ने पूरा बताया है। तो यहाँ पे देखिए ये 16 बॉल वाली है और ये 14 बॉल वाली है, तो इसमें और इसमें कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए क्या अंतर है, जरा सा थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बता दीजिए। सर इसमें सिर्फ ये 2 बॉल है, जो 2 बॉल है इनको आप एनसी मान के यही आईसी यूज कर सकते हैं, यही आईसी यूज कर सकते हैं। तो और इसका पैड लाइन को गिनने का तरीका भी यूनिक है जो सर ने आपको बताया? बिल्कुल सर। अगर किसी को जानना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा बिल्कुल सर, बिना आए नहीं समझ पाएगा, नहीं तो मोबाइल ही ऑफ कर। दुनिया की हर आईसी पढ़ने का तरीका एक है, पर इसको पढ़ने का तरीका सबसे अलग अलग है। तो चलिए ओवरऑल अब आप इसकी आईसी निकाल के पैड लाइन चेक करने वाले हैं, जीआर चेक करने वाले हैं कि पैड आईसी निकालने के बाद कौन कौन से पैड पे आपको जीआर मिलेगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए और यहाँ पे फोन को दिखा दीजिए, जरा रिंगटोन बजा के दिखा दीजिए। हम लगा रहे हैं, आप चेक करिए। जी बैटरी एक्चुअल में क्या लो हो गई इसलिए बंद हो गया। जी जी सर। हेलो हमारे
तो यहाँ पे एक बार और हम फोन बजा के दिखाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाइस पूरी आ रही है। अब ये आईसी निकाल के दोबारा से ये पैड लाइन चेक करेंगे, बनाएंगे किस पे जीआर आ रहा है किस पे नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक करने वाले हैं। चलिए ठीक है, वोल्टेज भी चेक करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप चल इसकी आईसी निकालिए। Thank you.
तो यहाँ पे आप सुन पा रहे होंगे आवाज़ कि इन्होंने अभी आईसी को निकाल के दोबारा से लगा दिया है और दोबारा से टोन बज रहा है यहाँ पे। तो अभी आपने जो इसको आईसी को निकाला था जी सर, उसका जीआर सीट बनाया आपने जी सर, दिखाइए जरा जीआर सीट को। जो जो सर ने क्लास में बताया है वो चीज़ आपको मिली है कि नहीं मिली है? मिली है सर। ऐसा तो नहीं है जो सर ने क्लास में बताया वही चीज़ आप दोबारा से बना दिए हो? कहाँ है जरा दिखा दीजिए। यही है जी सर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने ये सब सारी चीज़ें डायग्नोज की है और यहाँ पे सारे बॉल्स को टेंशन किया। तो ओवरऑल कैसा लगा? बढ़िया लगा सर। थोड़ा इधर देखिए, बहुत अच्छा लगा। इधर देखिए, ये हमारे आउटपुट जहाँ से रिंगर की सप्लाई आती है सर, ये उस पर ये जीआर होते हैं सर। इसमें मेरे को 445 पहले मिला था जब आईसी लगी हुई थी जी सर, सॉरी 445। और अभी जब आईसी निकाल के मैंने चेक किया तो रिपीटली वही मिला, मतलब सेम मिला आप? सेम मिला सर। तो ये आउटपुट के लाइन का दोनों है जी सर। चलिए ठीक है। ओवरऑल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। देव सर का क्लास कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया रहा सर। जो चीज़ सोच के आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए वो चीज़ आपको मिला कि नहीं? सारी चीज़ें मिल रही हैं सर। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? देव सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सर। तो उनकी टीचिंग सबसे अलग है सर, इतने ईजी वे में होती है कि जो पढ़ाते हैं सब समझ में आता है। समझ में आता है जी सर। चलिए ठीक है। आईसी निकालना लगाना तो आपने दूसरे चीज़ से दिन ही सीख लिया जी सर, बट अभी आपको सर्किट का नॉलेज जो सर दे रहे हैं कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको? बहुत बढ़िया रहा सर, इतने इजी वे में समझा रहे हैं। वैसे तो हमको पहले देखकर ही डर लगता था कि ये क्या क्या लगा है, अब ऐसा है कि समझ में आता है, पूरा सर्किट समझ में आता है कौन सी आईसी क्या है, सीपीयू क्या है, रिंगर आईसी क्या है, पावर आईसी क्या है, एमएमसी क्या है, सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर आपको देख के कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्या बोलेंगे? बेशक आ सकता है, पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है भाई? सब 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 आवाज दिए। यस सर। सब लाइव है। यस सर। तो ये बताइए मेरी आज क्या क्लास थी आज हमारी? जल्दी छुट्टी तो नहीं हो रही है? नहीं सर। टाइम बता दो एक बार जनता को।
और जनता को बताओ ये कि आज आपने क्या पढ़ा। ऑडियो सेक्शन पढ़ा आपने? ऑडियो सेक्शन पढ़ा आपने? कोई स्पेशली एक मोबाइल पे पढ़ा क्या आपने? यूनिवर्सल पढ़ा है ना। बात करें नॉर्मल का, बात करें स्मार्ट स्मार्ट का, सारे प्रोटोकॉल पता है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई स्पेशल एक पर्टिकुलर मॉडल पे पढ़ा क्या आपने? नहीं सर। सर दुनिया की कोई सी भी मेरे को स्मार्ट पीए दे दो। कौन सा दे दो? स्मार्ट पीए। कोई सा भी दे दो, आप उसका वो ट्रेस कर लोगे? यस सर। एंड तक ट्रेस कर लोगे? यस सर। कौन एंड, कौन कौन एंड तक ट्रेस कर पाएगा? सब कर पाएंगे। यस सर। ये बताइए कि अगर मैं नॉर्मल आईसी देता हूँ, अगर नॉर्मल पीए देता हूँ, तो नॉर्मल पीए को कौन कौन ट्रेस कर पाएगा? सब कर लेगा सर। वोल्टेज के साथ? यस सर। जीआर के साथ? यस सर। फ्रीक्वेंसी के साथ? यस सर। कंपोनेंट के साथ? यस सर। क्या आपको उसके पास जो कंपोनेंट लगे उसको पहचानने के लिए या रीडिंग लेने के लिए मल्टीमीटर की आवश्यकता लगी? नहीं सर। खाली देख के दिमाग से आई से आंख से पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? किस काम के लिए लगा है कैपेसिटर? कैपेसिटर लगा है, रजिस्टर लगा है, किस काम के लिए लगा है? जी सर। अगर सीरीज में लगाए तो क्यों लगाए, अगर पैरेलल में लगाए तो क्यों लगाए, क्यों लगाए, वो सारा आइडिया है कि नहीं आप? जी सर। और बात करूं मैं, ये थोड़ा सा डीएसओ आपके हाथ में, लो लो आपके हाथ में, इस डीएसओ का इस्तेमाल किस किस ने करा? सबने किया। सबने किया? यस सर। इसको नॉर्मल कर दिया आपने? जी सर। आपको इस सेक्शन में ये मालूम है कहाँ डीएसओ का इस्तेमाल करना है? यस सर। फ्रीक्वेंसी चेक करी है आपने? यस सर। कैसी फ्रीक्वेंसी आती है, कहाँ चेक करना है, ये मालूम है आपको? यस सर। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ मैं आपसे। अहमद बताइए मेरे को, तो कैसी रही आपकी क्लास, इनके साथ क्लास थी, किस लेवल से सर ने पढ़ाया आपको और आपको किस लेवल से समझ में आया? आप तीनों चारों चीजें पूछूंगा आपसे मैं। जी सर, हमारी क्लास थी सर आज देवसर के साथ, ऑडियो सेक्शन की, जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा गया, सब कुछ समझ में आया एंडलेस तक। एंडलेस तक? यस। तो एंडलेस तक समझ में आया, तो आपने किस प्रकार से प्रैक्टिकल करा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। बहुत सारी मोबाइलों पे आपने सेम प्रैक्टिकल किए? लाइव चालू मोबाइल पे किया आपने? मोबाइल पे आईसी उठाई आपने? आईसी उठा के पेड लाइन बनाई आपने? यस सर। पेड लाइन बनाई आपने? फिर आपने वोल्टेज चेक करा? वोल्टेज चेक किया आपने? यस सर। जीआर चेक किया आपने? यस सर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी चेक की? बिल्कुल चेक की। डीएसओ पे चेक करी आपने? हां चेक किया। तो किसी प्रकार का कोई, अभी आपके लिए ऑडियो क्या हो गया? अगर मैं बोलूं आपको कि अगर तुम महाराज जाते हो और आपका ऑडियो से, महाराज नागपुर से हो ना जी, महाराज नागपुर जाते हो और ऑडियो से कोई प्रॉब्लम आता है, तो मेरे भाई वो स्मार्ट पीओ हो, नॉर्मल आईसी हो, 36 बाल का आईसी हो, 42 बाल का आईसी हो, कितनी देर लगेगी मेरे भाई? क्लियर हो जाएगा, 5-7 मिनट लगेगा। 5-7 मिनट मिले? आपके पास सारी ट्रिक है? बिल्कुल। कब आपको सीपीयू पे काम करना है, कब स्मार्ट पीए पे काम करना है, कब कंपोनेंट पे काम करना है, सारा नॉलेज है आपको? हाँ, बिल्कुल। कब कोडेक आईसी, आपके ऑडियो आईसी पे कब काम करना है आपको? ऑडियो आईसी को अगर आपके पास अगर डीएसओ नहीं है तो आपको ऑडियो आईसी की जो लाइन होती है, जो इनपुट सिग्नल कमांड आती है, उसका इनपुट सिग्नल आता है, तो उसको कैसे वेरीफाई करना विदाउट डीएसओ के, ये मालूम है आपको? यस सर। ये नॉलेज है आपको? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए, बताइए आज का क्लास के बारे में बताइए। आज का क्लास देव सर के साथ था और बहुत ही बढ़िया ऑडियो सेक्शन का क्लास दिए हैं सर, और इसमें ऑडियो क्लास में नया में स्मार्ट पीए का आया है, और ऑडियो में एक नॉर्मल पीए पहले था, पुराने फोनों में आता था, और नया में स्मार्ट पीए जो कि बहुत अच्छे से डीप लेवल का एकदम सीपीयू तक सर ने बताया। तो सर ने सीपीयू तक बताया, प्रैक्टिकल क्लास में आके तुमने क्या किया? आपका पर्सनल कोई मोबाइल था क्या? जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए मेरे को। पर्सनल मेरा मोबाइल था, तो सर ने जिस तरह बताया था उस तरह फाइंड आउट किए, तो उसका बीपीएच लाइन नहीं आ रहा था, और तो मैंने चेक किया तो उसका मतलब खुला हुआ था, इसीलिए सारा लाइन। ये बोर्ड तुम्हारे पास कब से रखा था? 2 महीने से रखा। 2 महीने से रखा, आज क्यों दिखा तुमको कि ये खुला हुआ है, आज क्यों दिखा? ऐसा दिखा सर, जो आपके पास जिस डीप नॉलेज से, हाँ, डीप नॉलेज से दिखा, उस तरह डायग्नोस किए, उसके बाद से पता चला कि इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है। तो ये आपने डीएसओ पे चेक करा जी, कि मल्टीमीटर पे चेक करा, दोनों पे चेक किया? दोनों पे चेक किया, दोनों पे नहीं आ रहा था, जी आर आ रहा था और ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा। तो खाली आप डीएसओ को एक जगह टच करके ये बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि सर मेरे को इस आईसी पे काम करना है, जी, करना है, ये बता सकते हो जी? तो आपका सर ऐसा नॉलेज दिए हैं कि बिना डीएसओ का भी आदमी काम कर सकता है जी जी। किस आईसी पे करना है, उस
उसी आईसी बजाना है, उसी आईसी पे जी। तो ये परफेक्ट नॉलेज आया कि नहीं आया? जी जी भाई, आज तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है आपके, 28 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई है जी। और ईमानदारी से आज 2 तारीख है, 28 29 30 31 पांचवा दिन है जी जी, है ना, पांचवा दिन है। पांचवे दिन में ये कैलकुलेशन आ गया आपको जी, बताइए मेरे को ये कैलकुलेशन आ गया कि कब आपको आईसी पे काम करना है, कब आईसी पे नहीं काम करना है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। जी सर, जाहिद अबू फ्रॉम कश्मीर। जाहिद बताइए मेरे को, मेरे भाई आज ऑडियो रिंगर। हाँ सर, की आज क्लास। सर हमारी ऑडियो सेक्शन की क्लास थी जिसमें हमने नॉर्मल वाले पीए भी पढ़े, हमने स्मार्ट वाले पीए भी पढ़े, उनमें क्या डिफरेंस होती है, कहाँ पे क्या जीआर मिल रहा है, हमें इनपुट कितना चाहिए, हमें आउटपुट कहाँ से लेना है, हर एक पॉइंट पैड लाइन से लेके बराबर जहाँ पे डिवाइस लगी रहती है जी, इनपुट से लेके आउटपुट तक सारा सेक्शन हमारा क्लियर हो गया सर। और ये हमने सीपीयू वाइज पढ़ा, यानी हमें मॉडल्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी दुनिया सा मॉडल हो, दुनिया का कोई भी मॉडल हो, हमें सारा सेक्शन पढ़ा है सर, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे आगे खत्म होता है, कौन कौन सी आईसी इनमें इन्वॉल्व होती है ये भी पता है सर, किस किस आईसी से किस किस पैड पे कौन से लाइन आ रही है ये भी बिल्कुल पता है सर, कहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है और कहाँ से जा रही है। तो खासकर सबसे बड़ी चीज़ सर ये डीएसपी सर, इसको लेकर मैं बड़ा परेशान हूं, कहाँ पे सर ये, कहाँ पे यूज होता है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, ये हमें कभी यूज़ नहीं करना है सर्किट में सर। बट आज सर डी एस सर की क्लास में हमें ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये डी एस ओ जो है ये कहाँ पे करें इस्तेमाल करना है, कहाँ पे स्विचिंग एक्चुअली हो रही है, इनपुट कहाँ से जा रहा है फ्रीक्वेंसी का, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, और हमें किस चीज़ पे अगर हमारा जी आर वोल्टेज आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं आ रही है ये इसके बगैर पता नहीं चलता सर, हमें आई सी पे काम करना है नहीं करना है ये हमें एक सेकंड में पता चल जाएगा सर। तो बताइए आज आपको आरडीओ का और स्मार्ट पीए का और नॉर्मल पीए का एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं? एंडलेस सॉल्यूशन सर, एंडलेस सॉल्यूशन। मैं बोलूं कि एक रिंगर आईसी को आप हाथ में ले लो, काय में ले लो, हाथ में लेके ही हम बता सकते हैं कि हाथ में ले लो, और हाथ में लेने के बाद मैं बोलूं कि सारे ट्रैक जोड़ दो इसके, तो जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? सारे ट्रैक जोड़ सकते हैं, एक एक पैड लाइन चेक कर सकते हैं सर, आईसी को हटा के सारे जंपर एक एक आईसी से, किसकी बदौलत आया सर? देव सर के सर, और एशिया टेलीकॉम की टीम की वजह से। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। ठीक है चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवम चौधरी है, मैं इटारसी से हूँ जी। आज हमारी ऑडियो क्लास थी जी, जिसमें स्पीकर और रिंगर मतलब सारी चीज़ें जो भी ऑडियो में आती है वो उसके बारे में हमने सारी चीज़ें सर ने सिखाया है। ठीक है, और उसी की अभी शाम को प्रैक्टिकल क्लास थी, मैंने ऑन मोबाइल MI5A में रिंगर की पूरी सप्लाई एंडेस तक दूरी, मतलब जब आईसी लगी हुई थी उसका GR निकाला, फिर उसके बाद आईसी निकाल के उसकी पेड लाइन दूरी कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, फिर उसके बाद फिर मतलब आईसी को फिर लगाया, फिर उसके बाद जीआर चेक किया, परफेक्ट आया, मोबाइल ऑन किया, मेरा रिंगर फिर वर्क करने लगा। हाँ, तो ये बताओ मेरे को जी, मल्टीमीटर से दुनिया पढ़ाती है जी सर? मल्टीमीटर पे दुनिया पढ़ाती है, दुनिया पढ़ाती है, जीआर पे दुनिया पढ़ाती है, वोल्टेज पे दुनिया पढ़ाती है। आज आप फ्रीक्वेंसी वाले स्टूडेंट बने कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे, फ्रिक्वेंसी चेक करना फर्स्ट टाइम एशिया टेलीकॉम ने हमको सिखाया, नहीं तो ये फ्रिक्वेंसी चेक करना हमको आते ही नहीं था, आते नहीं था। अब ये चीज़ भी तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा माइक्रोस्कोप खरीदना है जी जी, या मुझे डीसी मशीन खरीदना जी है, SMD खरीदना, तो ये अनिवार्य हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, ये भी बहुत अनिवार्य है, इनके साथ जितना माइक्रोस्कोप अनिवार्य है इतना ये डीसी मशीन भी अनिवार्य है, DSO भी अनिवार्य है। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल आज आपने एंडलेस नॉलेज लिया ऑडियो का, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर यही नॉलेज अगर आप गलती से अगर कहीं पे और भटक जाते तो ये चीज मिल पाती? बिल्कुल नहीं मिल पाती सर, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई बताते फिर उसके बाद इसकी जानकारी कहाँ से लेते हैं जो हमको आज दी है? ठीक है चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम संदीप है जी। सर आज ऑडियो सेक्शन की क्लास थी जी, जिसमें मतलब नॉर्मल पीए और स्मार्ट पीए दोनों बताया गया। के साथ थी आपकी? सर देव सर के साथ। देव सर के साथ जी सर, वन ऑफ फेवरेट यू जी सर, देव सर के साथ जी सर। तो बताइए मेरे भाई, आज स्मार्ट पीए और नॉर्मल पीए दोनों पीए बताया गया था, क्योंकि पुराने फ़ोनों में नॉर्मल पीए आता था, ठीक है, जो बराबर मतलब पहले के हिसाब से चलता था, और अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं वो स्मार्ट पीए में आ रहे हैं, जिसमें फॉल्ट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता था जी। और जिस देव सर ने फॉल्ट पॉइंट एकदम चुटकियों में बता दिया, और DSO का इस्तेमाल भी करना बता दिया। तो ये बताइए मेरे को कि DSO का आपने पूरे के पूरा इस्तेमाल किया कि नहीं किया? जी सर। अगर मैं बोलूँ आउटपुट चेक करने की, जहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है वहाँ पर चेक करने की, और आपकी स्विचिंग की लाइन को चेक करने की, LX की लाइन जो स्विचिंग की लाइन आती है, सब जगह इस्तेमाल किया कि नहीं किया? हाँ सर किया।
तो आपके उसकी वैल्यू मालूम पड़ रही है? जी सर जी, आपको इसकी वैल्यू मालूम पड़ रही है? हाँ सर। तो आपकी टेबल पे अगर माइक्रोस्कोप है तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जरूरी। अभी आप अधूरा लग रहा है, अगर मैं अगर आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं सारे स्टूडेंट को DSO दूँ, सबके लिए मैं प्राइवेट DSO करूँगा। अभी मेरे पास 3 DSO है ना, मैं हो सकता है कि आने वाले टाइम में कितने कर दूंगा यहाँ पर? सबके पास कंपलसरी कर दूंगा मैं, सबके पास। ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं हर स्टूडेंट को DSO दूंगा, कंपलसरी हो जाएगा वो। तो मेरे भाई आप एक बढ़ने वाले, रोज बढ़ने वाले इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और फ्यूचर में खाली क्या तुम्हारी 30 दिन की क्लास है क्या? नहीं सर, 30 दिन की क्लास है क्या? नहीं सर, जिंदगी भर की क्लास है। जब तक एशिया टेलीकॉम रहेगा, जब तक दुनिया में तुम रहोगे, ये हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। जी सर, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी सामने तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक पोद्दार महाराष्ट्र से हूँ। हाँ दीपक, और आज देव सर के साथ हमारी एडियो सेक्शन का ये था, और उसमें हमने PA लाया, स्मार्ट PA जी, और नॉर्मल PA भी पढ़ी है। हाँ। और सर ने ऐसा सिखाई है कि डेडलाइन तक पूरा एंडलेस एंड तक उसका बाईपास भी कैसा करते हैं वो भी बता दिए सर ने। दीपक, अगर मैं तुमसे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, अगर दीपक किसी गैर जिम्मेदार या अनाड़ी टेक्नीशियन से अगर कोई अगर सेट आया, और मैं बोल रहा हूँ कि उस रिंगर IC, अगर आपने 16 बाल 14 बाल की रिंगर IC पर आप काम कर रहे हैं, या सपोज आप 36 बाल की या 42 बाल के स्मार्ट PA में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आता है और अगर उसके साथ 10 पेड वो निकाल देता है, कितने निकाल देता है? 10 पेड वो निकाल सकता है। हाँ। तो आप पे वो एबिलिटी है? यस सर, बिल्कुल टेक्निकली एबिलिटी है आपके पास कि आप उसको 10 पेड निकलने के बाद भी आप IC को बना सकते हैं? बिल्कुल सर, उसके पूरा डेटा शीट निकाल के हम पूरा पेड लाइन ओके बना सकते हैं। तो आपने क्या खाली मल्टीमीटर पर सिखाई है? नहीं सर, खाली DSO मशीन के साथ में सीखा है। बताइए मेरे को, DSO मशीन के साथ में हम फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ जाती है, इनपुट कहाँ से होती है, आउटपुट कहाँ से, वो भी सिखाया हम। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोला जाऊँ तो आपको एंडलेस नॉलेज मिला? बिल्कुल बिल्कुल मिला बिल्कुल। कि जबरदस्ती बोल रहे हो यहाँ कैमरे के सामने में खड़ा हूँ तो बिल्कुल नहीं सर, मिला है तो मिला है बोलेंगे, मिला है तो मिला बोलेंगे, महाराष्ट्र का बंदा झूठ नहीं बोलेगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वन आइए, आइए इधर। मेरा नाम गणेश है जी, मैं उत्तराखंड से हूँ जी। आज हमारे सुबह देव सर के साथ ऑडियो सेक्शन की क्लास थी जी, उसमें हमें सर ने ऑडियो के पूरे उस बारे में बताया गया, ऑडियो के बारे में, ऑडियो में आने वाले जो फॉल्ट है उसके बारे में एंडलेस प्रॉब्लम को बताया, उसका सॉल्यूशन बताया हमें, और उस और IC के पूरे पैड लाइन के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, कौन से उसमें इनपुट होता है, कहाँ से आउटपुट है, हर पैड के बारे में उसमें हमें आज जानकारी मिली देव सर के साथ। तो मैं आपसे 3 चीज़ें पूछना चाहूँगा, खाली 3 चीज़ पूछना चाहूँगा। तो जो आपको सर ने नॉलेज दिया है, तो क्या मॉडल वाइज दिया है? नहीं, सारे मॉडल में कोई भी ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है, CPU वाइज दिया। CPU वाइज आप दुनिया का कोई सा भी आपके सामने रिंगर रख दें या स्मार्ट PA रख दें, रख दे, आप बना सकते कि नहीं? बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं? बना सकते, बना सकते। क्या आप खाली मल्टीमीटर से यूज़ करा आपने क्या? नहीं। फिर क्या क्या यूज़ करा आपने? DSO यूज़ किया। कौन सा DSO यूज़ करा? DSO, थोड़ा बताइए मेरे को, इसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ से कैसे निकाली, ये फ्रिक्वेंसी हमें पता चली आज पहली बार, हमें इसके बारे में इसकी वो पता चली। तो कैसा लग रहा है, मतलब देखो एडवांस इंस्टीट्यूट से जुड़े हो आप, है ना, है ना, आप एक बढ़ते हुए इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो आप, जो आप डायरेक्ट आके और दूसरे तीसरे दिन आप सीधे DSO उठा के काम कर रहे हो आप, कोई ऐसा है कि खाली मैंने एक स्टूडेंट ने काम किया है? नहीं नहीं, सारे स्टूडेंट एक एक करके पूरा, सबने काम किया है क्या? इस पूरा इस्तेमाल किया, इसका यूज किया, इसका यूज के बारे में जाना है कि कितना जरूरी है, ये भी पता है चला है स्टूडेंट को। तो जब आप टूल्स आप परचेस करोगे अपने लिए, हाईटेक टूल परचेस करोगे, हाईटेक ट्रेनिंग तो ले रहे हैं आप, हाईटेक जब टूल परचेस करोगे तो लिस्ट में इसका कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट में ही होगा, फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में होगा, प्रॉमिस कर रहे हो सर? चलिए ठीक है, आइए। हाँ, मेरा नाम शकील है मैम। हाँ शकील, आज देव सर ने आज ऑडियो की क्लास पढ़ाई जी, जिसमें हमें ऑडियो के सारे कहाँ से कौन सी लाइन कहाँ जाती है सबके बारे में बताया जी, और आज हमने प्रैक्टिकल भी किया इस चीज़ का जी, उसके बारे में भी ऑडियो IC और फ्रीक्वेंसी के लिए भी इसकी कहाँ से कहाँ कैसे लाइन जाती है सबके बारे में बताया। तो इसका आपने चालू मोबाइल पे पूरा का पूरा
प्रैक्टिकल किया कि नहीं सर? आपने एक आईसी की डेटा शीट बनाई कि नहीं बनाई? जी सर। पेडलाइन बनाया कि नहीं बनाया? जी सर। और एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। मैं बात करूँ स्मार्ट पीए की, बात करूँ नॉर्मल पीए की, जी सर, तो आप दोनों पे काम करने में सक्षम होंगे। आइए, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। हेलो, मेरा नाम पवित्र गिरी है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ जी। आज मेरे को ऑडियो सेक्शन का नॉलेज मिला है अच्छे से। हाँ जी। आज ऑडियो सेक्शन में जैसे कि ऑडियो सेक्शन कैसे काम करता है, उसको क्या क्या वोल्टेज का रिक्वायरमेंट रहता है जी। अभी स्मार्ट पीए जैसे कि नॉर्मल पीए, स्मार्ट पीए काम करने के लिए कौन सा वोल्टेज चाहिए, नॉर्मल पीए के लिए कौन सा वोल्टेज चाहिए, सब कुछ पता चला। मतलब एंड तक सॉल्यूशन मिला। एंडलेस सॉल्यूशन है आपके पास? तो जो आप सोच के आए थे, जो आप सोच के आए थे मेरे को एंडलेस सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसके तरफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगा? हाँ जरूर बढ़ रहा है, और आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। आगे भी बढ़ना चाहता हूँ और भी लेना चाहता हूँ। तो खाली मल्टीमीटर का इस्तेमाल करा? नहीं नहीं, डीएसओ का भी चेक करके फ्रीक्वेंसी, डीएसओ मशीन का, डीएसओ मशीन का भी इस्तेमाल करा? फ्रीक्वेंसी जरूरी है मशीन? हाँ मशीन का बहुत। सर ने खाली ऐसा बक्सा सामने रख दिया कि उपयोगिता है कि नहीं? हाँ बहुत उपयोगिता है, उपयोगिता है, हर सेक्शन में जरूरत पड़ेगी हमको। हाँ हाँ जरूर, जहाँ साहब फ्रीक्वेंसी काज करेगा, काम करेगा, वहाँ जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तो महाराष्ट्र से है ये, राजेश्वर। राजेश्वर ये बताइए मेरे को कि आज आपका क्लास था देव सर के साथ था क्लास, कैसा रहा क्लास आपका? क्लास एकदम बढ़िया था। क्या किस लेवल से पढ़ाया आपको? जो पुराने ऑडियो सेक्शन के आईसी होते हैं जी, उसमें अगर जो हमारा पुराना जो पॉइंट है अगर ये निकल गया, मतलब वो बाईपास के साथ आपको सीपीयू से आता है, किसी कारण से वो हमारा मिस हो गया तो बाहर से ही बाईपास करना, इतनी ट्रिक अच्छी दी है हमारे। अच्छा सर, सीपीयू नहीं खोलने से। आगे अगर मैं बात करूँ कि अगर स्मार्ट पीए आता है तो आपको स्मार्ट पीए के प्रोटोकॉल मालूम है? हाँ सर मालूम मालूम है, हर चीज क्लियर है आपकी। तो प्रैक्टिकल क्लास में आके आपने किस पे, खाली क्या मल्टीमीटर पे काम करा? नहीं सर, फिर काय पे काम करा? थोड़ा बताइए मेरे को, डीएसओ दिख नहीं रहा है कैमरे में, आपने इसके ऊपर भी काम करा? हाँ फ्रीक्वेंसी चेक की। फ्रीक्वेंसी चेक करी आपने? हाँ सर। है ना, आउटपुट की बात करूँ मैं, स्विचिंग की बात करूँ मैं, है ना, और फ्रीक्वेंसी की लाइन की बात करूँ मैं, तीनों जगह चेक किया आपने? हाँ सर। कंफर्म है आपको? कंफर्म है। ये बताइए मेरे को कि अगर अभी आपके शॉप पे जाते हो और कोई रिंगर का फॉल्ट आता, भले ही वो नॉर्मल पीए हो या कोसाई हो, स्मार्ट पीए हो, तो आप पूरा सर ने बता दिया है, इसलिए कोसाई कंपनी का आने से हमको किसी ब्रांड से मतलब नहीं है। हाँ, ब्रांड हमको सर्किट से मतलब, सर्किट से वो सर्किट हमारे दिमाग में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी जी बताइए। जी नारसिंह, राजस्थान। नारसिंह बताइए मेरे को, मेरे भाई क्या क्लास थी आज हमारी, क्या नॉलेज मिला आपको? आज ओडियो सेक्शन की क्लास थी जी, देव सर के साथ जी, जिसमें हमें नॉर्मल पीए और स्मार्ट पीए के बारे में बताया गया था। ठीक है। स्पीकर, रिंगर, स्पीकर सप्लाइयों के बारे में, कि स्पीकर कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अच्छा। और उनकी इनपुट और फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में बताया गया था। अच्छा, तो फिर आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में सर हमने लैब काम किया था, चालू फ़ोन पर सॉन्ग बजा के उसका फ्रीक्वेंसी निकाला था, वोल्टेज निकाले थे, वोल्टेज कौन सा वोल्टेज कहाँ पे आता है, कौन सा कहाँ निकल रहा है, सीपीयू का वोल्टेज कहाँ निकल रहा है, वो सब कुछ चेक किया। आपको कब एक ऑडियो आईसी पे काम करना है जी, है ना, कब आपको रिंगर आईसी रिप्लेस करना है ना, कब आपको सीपीयू पे काम करना है, ये नॉलेज है कि नहीं? जी सर। तो ये माध्यम क्या बना है आपके? जी सर, ये माध्यम डीएसओ पे काम किया था सर। डीएसओ पे इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि नहीं? सर इसने पूरी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका है सर। तो मल्टीमीटर के साथ साथ इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको? जी सर बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। चलिए ठीक है, तो एंडलेस नॉलेज मिला आपको सर, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, ठीक है, आ जाइए आप तीनों, आ जाइए तीनों चारों आ जाइए। तो मेरे साथ है स्टूडेंट, थोड़ा सा अपना परिचय और नाम बताइए। बलराम मंडल, नेपाल से। मंडल 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 नेपाल से। चलिए, और थोड़ा नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजय कुमार चौधरी, मैं नेपाल से। नेपाल से। नाम बताइए अपना। सुमित भंडारी, मैं नेपाल बड़ा। नेपाल से। और बाबूराम चौधरी। बाबूराम चौधरी नेपाल। नेपाल से। बाबूराम ये बताओ मेरे को कि मेरे भाई, या थोड़ा आपका मैं परिचय दे दो। मेरा नाम अनिल सिंह हूँ, मैं नेपाल से। नेपाल से हो। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आज आपको जो नॉलेज मिला है, क्या लेवल है नॉलेज का? डीप नॉलेज, एकदम डीप। डीप नॉलेज? हाँ सर। एंडलेस नॉलेज? एंडलेस नॉलेज है।
मल्टीमीटर वाला कि डीएसओ वाला? डीएसओ सर, क्या उपयोग है इसका, सुमित थोड़ा बताओ मेरे को क्या उपयोग है इसका? इसका फ्रीक्वेंसी के चेक करने के लिए, फ्रीक्वेंसी का चेक करने के लिए। ये आपको मालूम है कि कब आईसी पे कौन से पॉइंट पे आपको रख के फ्रीक्वेंसी चेक करना है? फ्रीक्वेंसी के हेल्प से पता चलता है, मालूम है कौन सी आईसी में। अपने टूल में आप इसको भी ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करोगे सर, है करोगे। इसके बिना कुछ भी नहीं है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। चलिए ठीक है, तो आपको ये एंडलेस काम करके कैसा लग रहा है? आपने, मैं बात करूँ नॉर्मल आईसी की, नॉर्मल आईसी क्लियर है आपकी, मैं बात करूं स्मार्ट पीए की, स्मार्ट पीए की अगर कोई पांच पेड़ भी निकाल देता है या आठ पेड़ निकाल देता है, रिंगर आईसी के आठ पेड़ निकाल देता है, तो आपको मालूम है? मालूम है सर, पूरा मालूम है, डायग्राम वाइज मालूम है आपको, प्रैक्टिकली तौर पे मालूम है, आईसी उठा के निकाल के पेड़ बना के वापिस सक्षम हो आप करने की? चलिए ठीक है, तो एंडलेस सॉल्यूशन में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए भाई आगे, बाकी वाले आ जाइए, बाकी कौन है इधर आ जाइए, सब आ जाइए जी। हाँ, कोलकाता, कोलकाता से हो जी, बताइए भाई आज आपका ऑडियो का क्लास था, किनके साथ था, थोड़ा सा चर्चा में बताइए आप। देव सर क्लास को क्लास दी सूरज के जी, तो खूब मैंने जो रिंगर आईसी सम्पर्के जगह बोल लो, মানে খুবই সহজ পদ্ধতিতে সেটা বোঝা গেল, আমি কি করে দিয়ে গেলাম সে করে সব জিনিস। আর সত্যি হচ্ছে ডিওসো সম্পর্কে যেটা বললো, যেটা আমরা জানতামই না কি জিনিসটা, তো ডিওসো যখন কাজ বোঝালো সিগন্যাল সম্পর্কে, তখন আমাদের কিন্তু পুরো জিনিসটা নলেজটা খুব বোঝা গেলো, এবং কোথায় কী ফল একমাত্র ডিওসো ছাড়া বোঝা যাবে না, যেগুলো যারা হয়তো করতে পারছে না, ডিওসো ব্যবহার করতে সেটা করতে পারবে, যেটা আমাদের ডিওসো স্যার শিখালো, ডিওসো সম্পর্কে কী জিনিস সেটা শিখালো। কেউ যদি শিখতে আসে তাকে এসে টাইমে অবশ্যই জয়েন করতে হবে, নাহলে সে বুঝতে পারবে না কী জিনিসটা, এর মহত্বটা কত বড়, এই না হলে আমার মনে হয় কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, সম্ভব নেই কি আমি ইসকে বিনা কাম কর পাই। ये इम्पोर्टेंस है इसका। यस सर। चलिए ठीक है, तो आपको प्रो लेवल का काम करने में कैसा लग रहा है? चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आइए। सर मेरा नाम पितवास गौड़ा, मैं उड़ीसा ब्रह्मपुर से जी। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, कैसा लगा क्लास के बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए, आपको क्लास किसने दी थी उनके बारे में बताइए, और ये बताइए कि उन्होंने आपको नॉलेज कैसा दिया? सर देखो, सर ने क्लास लिया था आज का थ्योरी का जी, वो ऑडियो की, हाँ ऑडियो से, ऑडियो का क्लास था, ऑडियो आईसी का था, रिंगर का था, नॉर्मल रिंगर का था, स्मार्ट पीए का था, है ना, क्या मॉडल वाइज पढ़ाया उन्होंने क्या, कि यार ये दो मॉडल पे पढ़ा दिया काम खत्म हो गया, कि सीपीयू वाइज पढ़ाया आपको? सर सीपीयू वाइज पढ़ाया आपको। चलिए तो बताइए मेरे को कि आपने किस लेवल से समझा इसको? सर बहुत डीप लेवल से, आईसी उठा के पेड लाइन बनाया आपने, मल्टीमीटर का यूज करा आपने, और साथ में किसका यूज करा आपने? हाँ सर डीओसो का भी यूज, थोड़ा बताइए मेरे को किसका यूज करा, कैमरे में दिख नहीं रहा सर। डीओसो का, डीएसओ का यूज किया। आपको मालूम है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है? अगर एक आरडीओ का फॉल्ट आया तो आपको बनाना है, तो डीओसो का कहाँ कहाँ उपयोग लगेगा सर, ये मालूम है आपको? फ्रीक्वेंसी का आपको मालूम है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? जी सर। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल मैं अगर दुनिया का कोई सा भी अगर आपको स्मार्ट पीए देता हूँ या नॉर्मल पीए देता हूँ, तो आप बना सकते कि नहीं बना सकते? जी सर बना सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?